नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं ये सिंपल और ट्रेंडी स्लीव डिज़ाइन बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने एक चकोर फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों दो दो इंच है। अब इसके एक कोने को पकड़ कर दूसरे कोने से मिला दूँगी। अब इस तरह तीसरे कोने को मैं चौथे कोने के साथ मिला दूँगी। फिर इसको प्रेस कर लेंगे। इस तरह ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। इस तरह के हम 10 से 12 ट्रायंगल्स बना लेंगे। ये मैंने इस तरह बहुत सारे बना लिए हैं। अब मैं एक ट्रायंगल लूँगी और उस पर एक पैर की सिलाई का मार्जिन रखकर सिलाई लगाऊँगी। अब उस पर दूसरा ट्रायंगल रखूँगी, यहाँ दरमियान से रखूँगी। आपने उसके ऊपर ही दूसरा रखना है, जहाँ आपका दरमियान में आएगा वहाँ पे आपने उसके ऊपर दूसरा रखकर सिलाई लगानी है। ऐसे ही मैं एक एक करके रखती जाऊँगी और साथ ही सिलाई लगाती जाऊँगी। ये ट्रायंगल्स बनाने की एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले से, अगर आपने देखनी हो तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये इस तरह मैंने ट्रायंगल्स को जोड़कर एक लेस की शक्ल दे दी है। अब इसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी। अब मैं स्लीव का फैब्रिक लूंगी जिस पर इस लेस को मैंने लगाना है। मैंने स्लीव के फैब्रिक की सीधी साइड अपनी तरफ रखी है और इसको इस तरह डबल फोल्ड करूंगी। स्टार से 1.5 इंच छोड़कर फिर उसके ऊपर ट्रायंगल को मैं इस तरह रखूँगी, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। मैं कोशिश करती हूं कि आपको डिटेल से बता सकूं, फिर भी आपको अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने इन ट्रायंगल्स को 1/2 इंच अंदर की तरफ दिया है। यहां पर एक कम हो रहा था इसलिए मैंने इसको अलहदा से रखा है इसके अंदर और इस तरह इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस फैब्रिक को उल्टी साइड यानी रॉन्ग साइड की तरफ मैं पलट लूँगी और किनारे पर इस तरह हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब स्लीव की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई 5.5 इंच रखी है, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से भी बाजू की चौड़ाई रख सकते हैं। इस तरह हमारा ये स्लीव डिज़ाइन रेडी हो गया है। अगर आपको ये डिज़ाइन खूबसूरत लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।